आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौसम एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारी CF301 डेटा स्ट्रक्चर की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से है। आइए हम लोग इसकी पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, क्योंकि किसी भी असाइनमेंट को पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके असाइनमेंट में दोस्तों हमें जो रिक्वायरमेंट्स या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, दैट इज़ राइट अ मेन्यू बेस्ड सिस्टम प्रोग्राम इन C++। हमने एक मतलब मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम, मेन्यू से मुराद यहाँ पे कि जो व्हेन वी आर रनिंग प्रोग्राम मेन्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन फ्रॉम विच वी हैव सेलेक्ट वन मेन्यू या टू मेन्यू या थ्री मेन्यू या जो भी है मेन्यू हम सेलेक्ट करेंगे। दैट विल अलाउ यू, जो हमें अलाउ करेगा एंटर एम्प्लॉय डेटा इन BFT, कि हम जो है एम्प्लॉय का जो डेटा है वो एंटर करें बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। BFT से मुराद बाइनरी सर्च ट्री है। बिल्ट BFT ये एक टेबल दिया हुआ है, हमें जो है यहाँ पे एक ट्री को बिल्ड करेंगे। और वो ट्री कैसे बिल्ड होगा, यहाँ पे है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ डेटा पोस्ट ऑर्डर, कि हमने जो है एंटर डेटा करने के लिए बिल्ट BFT का फंक्शन यूज़ करना है। और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल ऑफ ऑल एम्प्लॉय डेटा, उनका डेटा जो है ट्रेवर्सल करने के लिए पोस्ट ऑर्डर यूज़ करना है। शो डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, उसके लिए जो है हमने असेंडिंग ऑर्डर का फंक्शन यूज़ करना, मतलब हमने ये तीन फंक्शन यूज़ करने हैं। द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्राम द यूज़र, और जो है हमने यूज़र से क्या करना है जी, तीन एट्रीब्यूट लेना है, एक एम्प्लॉय ID, एक एम्प्लॉय नेम और एक एम्प्लॉय सैलरी। ये तीनों चीज़ें हमने यूज़र से इनपुट करवानी है। नेक्स्ट जो है यू हैव टू इम्प्लीमेंट द अबव सिनेरियो यूजिंग BFT। हमने अबव सिनेरियो जो है बाइनरी सर्च ट्री के साथ इम्प्लीमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय ID, i.e. इफ द ID ऑफ द एम्प्लॉय इज लेसर देन द रूट देन नोड देन एंटर द नेक्स्ट एम्प्लॉय डेटा इन द लेफ्ट चाइल्ड अदरवाइज इन द राइट चाइल्ड। हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाना है अगर हमारा जो एम्प्लॉय ID है वो रूट से, मतलब जो पहले नोड खड़ी है उससे कम है, तो वो जो नोड है नई वाली वो देन एंटर द नेक्स्ट एम्प्लॉय डेटा इनटू द लेफ्ट चाइल्ड, कि वो लेफ़्ट में मतलब उसको पेस्ट करें नेक्स्ट नोड को। अगर वो लेफ़्ट में नहीं है तो फिर उसको राइट चाइल्ड में पेस्ट कर दे। नेक्स्ट जो है वो है नोट एक दिया हुआ है हमें BFT विल इम्प्लीमेंट यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के ज़रिए हमने बाइनरी सर्च ट्री की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। प्रोग्राम विल नॉट अलाउ एंटरिंग डुप्लीकेट एम्प्लॉय ID, के जो एम्प्लॉय ID है दैट विल नॉट डुप्लीकेट नॉट रिडंडेंट, मतलब ये एक बार जिसका हमने ID एंटर कर दिया वो हमारा दोबारा चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब दोबारा नहीं आना चाहिए। डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम इन दैट वे दैट द यूज़र विल एबल टू एंटर मैक्सिमम 10 रिकॉर्ड, और हमारा जो यूज़र है वो 10 रिकॉर्ड्स को एंटर कर सके। टेक एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम द यूज़र, हमने ये तीनों चीज़ें एम्प्लॉय यूज़र से लेनी है। एटलीस्ट 4 स्टूडेंट रिकॉर्ड शुड बी ऑलरेडी एंटर्ड हार्ड कोड रिकॉर्ड, और 4 का जो रिकॉर्ड है वो हमने ऑलरेडी एंटर कर देना। यू विल यूज़ फॉलोइंग ऑलरेडी एंटर एम्प्लॉय ID डेटा हार्ड कोड रिकॉर्ड, और ये वाला जो है हमने हार्ड कोड के लिए यूज़ करना। एम्प्लॉय ID 32, 56 है, 93, 5 और 10 है। नेम है रज़ा, साजिद, रबिया, सहर और अली। और एम्प्लॉय सैलरी जो है वो 3000 है, 25000 है, और 19230 है, 24000 है और 22200 है जी। ये हमने बाई डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एंटर कर देनी है एज अ हार्ड कोड रिकॉर्ड। और हमारा जो प्रोग्राम है दैट विल लुक लाइक दैट, 2 स्क्रीन हमें दी हुई हैं यहाँ पे, और ऐसे आना चाहिए। मेन्यू जो है वो हमारा प्रेस 1 टू एंटर डेटा के लिए आना चाहिए, प्रेस 2 जो है सी द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, और 3 जो है टू सी द रिकॉर्ड और इन पोस्ट ऑर्डर, और लास्ट में जो है प्रेस 4 टू एग्जिट। ये इस तरह की कुछ 2 स्क्रीन हैं जी, ऐसे आना चाहिए। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या किया है जी, इंक्लूड फाइल्स, जो हमने फाइल्स इंक्लूड करनी है वो सारी यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। यहाँ पे स्टैटिक इंक्लूड IO स्ट्रीम वाली, और इंक्लूड कॉनियन.h वाली, इंक्लूड स्ट्रिंग वाली और इंक्लूड F स्ट्रिंग वाली। ये चार किस्म की फाइलें इंक्लूड हो रही हैं जी। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस FTD ये तो आना ही है। तो ये हमने 5 लाइनें कोड कर ली जी। उसके बाद है मेक स्ट्रक्चर। हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है जी। वो कैसे बनाना है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं जी स्ट्रक्ट का, स्ट्रक्ट नोड और कर्ली ब्रैकेट शुरू। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है जी इंटीजर टाइप का और एम्प्लॉय आईडी उसका नाम रख दिया है। उसके बाद हमने एक पॉइंटर ले लिया है जी एम्प्लॉय नेम के नाम से। और फिर हमने एक नोड लेफ़्ट और नोड राइट के लिए एक ले लिया और कर्ली ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा दिया जी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर हम इसलिए यूज़ करते हैं, क्लासेस नहीं यूज़ करते, ताकि हम उसके पब्लिक या प्राइवेट जो भी मेंबर है उनको इजीली एक्सेस कर सकें। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, उसके बाद हम नोड बनाते हैं। नोड बनाने के लिए नोड स्टैटिक बिल्ड BFT, बिल्ड BFT का ही हमें उसने बताया था कि इफ़ यू आर वांट टू क्रिएट अ नोड इन टू अ ट्री तो बिल्ड BFT का हम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो बिल्ड BFT इसके अंदर हमने नोड स्टैटिक डाल दिया और रूट डाल दिया। सबसे पहले रूट आ जाएगा इंट ID, 4 नेम, डबल सैलरी। ठीक है जी। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए। एक हमने ID के लिए, एम्प्लॉय ID के लिए और करेक्टर टाइप की एक एरे समझ लें या पॉइंटर, वो हमने नेम के लिए और सैलरी जो है वो डबल टाइप के पे ले लिया जी इस फंक्शन में। मतलब हमें ये 3 इनपुट दी जाएंगी और इंट जो है एक एक वेरिएबल ले लिया। इस फंक्शन के अंदर क्या है जी, इफ़ रूट इक्वल नल, तो ये सबसे पहले चेक करेगा अगर हमारा रूट जो है वो नल है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो नोड न्यू नोड क्रिएट कर दे इक्वल्स न्यू नोड का फंक्शन कॉल होगा और वहाँ पे न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी। और ये न्यू नोड वाला जो फंक्शन है वो आगे चल के हमने बनाया हुआ है। न्यू नोड इक्वल एम्प्लॉय ID, उसमें सबसे पहले एम्प्लॉय ID ये जो हमने पीछे एक वो बनाया है, मतलब अपना स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में हमने एम्प्लॉय ID लिया तो वो एम्प्लॉय ID इधर ID के इक्वल कर दिया ताकि वो हम आगे जो है इसको ID यूज़ करेंगे। न्यू नोड और एम्प्लॉय नेम और फिर वहाँ पे नेम ले लिया और फिर न्यू नोड एम्प्लॉय सैलरी, तो वो एम्प्लॉय सैलरी वाला यहाँ पे सैलरी ले लिया। न्यू नोड और लेफ़्ट इक्वल न्यू नोड राइट इक्वल नल, और ये यहाँ पे वो कंडीशन जो है वो वहाँ पे उसने बताई थी कि अगर लेफ़्ट मतलब लेस होगा रूट से तो वो आपका लेफ़्ट साइड में, अदरवाइज वो राइट साइड में चला जाएगा। रिटर्न न्यू नोड, अगर कुछ नहीं है तो वो रिटर्न न्यू नोड कर देगा। आगे क्या किया है जी, इफ़ द एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट डू नॉट नीड टू एंटर इट अगेन, अगर एलिमेंट कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वहाँ पे वो न्यू मतलब एंटर नहीं करेगा। इसके लिए क्या किया, इफ़ रूट एम्प्लॉय ID इक्वल्स एम्प्लॉय ID के ID के इक्वल है तो वो फिर ऐसा ना करे बल्कि रिटर्न कर दे रूट पे, हमें वापस रूट पे भेज दे। इसके बाद आगे जो हमने कोड किया हुआ है उसमें इफ़ एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट डू नॉट, ये भी वही है, इफ़ एल्स की कंडीशन चल रही थी। इफ़ वाला पोर्शन हमने किया एल्स इफ ID लेफ्ट एन इक्वल टू रूट एम्प्लॉय ID पे चला जाए, रूट लेफ्ट बिल्ट BFT रूट लेफ्ट ID नेम सैलरी, और फिर अगर ऐसा है तो फिर वो हमसे यूज़र से इनपुट करवाएगा ID नेम और सैलरी। एल्स अगर वो नहीं है तो फिर रूट राइट, अगर पहले लेफ़्ट पे जा रहा था अब वो रूट राइट पे चला जाएगा और राइट पे भी अगर जाता है तो फिर भी वो वही चीज़ें एंटर करवाएगा यूज़र से, मतलब ID नेम और सैलरी। अब आगे जो कोड है वो असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे वाइड एक रिटर्न टाइप हो गई क्योंकि वी आर डिक्लेयरिंग द फंक्शन। असेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा क्योंकि हमें 2 ऑर्डर के अंदर वो चाहिए थी, क्या कहते हैं वो जो हमारी आउटपुट है, एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर और एक पोस्ट ऑर्डर के अंदर। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए तो ये हमारा वाला कोड होगा। उसमें हमने वाइड एक असेंडिंग ऑर्डर के नाम का फंक्शन, और उसने भी बताया था कि अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना है तो असेंडिंग ऑर्डर वाला एक फंक्शन यूज़ करना है। शुरू में जो हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी नोड स्टैटिक और रूट, और इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगा दिया इफ़ रूट नल, अगर रूट नल है तो हमें रिटर्न कर देगा। अगर नल नहीं है तो फिर असेंडिंग ऑर्डर रूट लेफ़्ट, लेफ़्ट के अंदर मतलब वो रिटर्न कर दे चला जाएगा। और सी आउट एंड रूट एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी करके एंड लाइन मतलब लाइन ब्रेक कर देगा। असेंडिंग ऑर्डर रूट राइट, पहले लेफ़्ट करेगा और फिर राइट कर देगा। लेफ़्ट और राइट ये कंडीशन चेक करने के बाद करेगा क्योंकि अगर लेफ़्ट देन मतलब हमारा रूट होगा तो वो हमारा लेफ़्ट में चला जाएगा और अगर लेफ्ट हैंड नहीं है तो फिर वो हमारा राइट के अंदर चला जाएगा। और इसी तरह जिस तरह हमने जो है अफेंडिंग ऑर्डर के लिए कोड लिखा है, इसी तरह हम पोस्ट ऑर्डर के लिए भी लिखेंगे। वो कैसे? जो वाइड पोस्ट ऑर्डर, ये भी हमने एक फंक्शन यूज़ किया है, नोड स्टेरिक रूट, और ये भी वही कंडीशन यहाँ पे लगा दिया, इफ़ रूट इक्वल्स नल रिटर्न कर देगा पोस्ट ऑर्डर रूट लेफ्ट, पोस्ट ऑर्डर रूट राइट, और फी आउट करवा दिया हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। ये हमें वो डिस्प्ले दिखा देगा जो हमारी 15 के ऊपर आएगा। आगे मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन नेक्स्ट पेज पे मैंने कर दिया जी। मेन फंक्शन में मेन लिखा और एंटरिंग बाय डिफ़ॉल्ट डेटा, वो जो हमें टीचर ने दिया हुआ है कि जी आपने एंटर बाय डिफ़ॉल्ट करना है डेटा, तो उसके लिए इंट आईडी एरे एक बना ली है, उसके अंदर जो है आईडी के लिए इक्वल्स लगा के 32, 56, 93, 5 और 10 एंटर कर दिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट। करेक्टर टाइप की एक एरे हमने पॉइंटर या नेम की एक एरे ले ली, उसके अंदर हमने नेम सारे एंटर कर दिए, रवा, साजिद, रबिया, सहर और अली। और डबल सैलरी का, डबल डेटा टाइप का हमने सैलरी की एरे ली है, उसके अंदर हमने सैलरी एंटर कर दिया 3000 और 25000, 19230, 24000 और 22200। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमें गिवन असाइनमेंट है और उन्होंने कहा है कि जी आपने ये वाली वैल्यू सारी बाय डिफ़ॉल्ट एंटर कर देनी है। उसके बाद हमने क्या है जी, गेटिंग द एलिमेंट ऑफ द एरे इन द केस 5। अगर वो गेटिंग कैसे करेंगे, ये जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज एंटर की हैं, इंट फी आ जाएगा, इंट एक्स, साइज ऑफ आईडी और साइज ऑफ आईडी। ये मतलब हमने 5 रिकॉर्ड एंटर किए हैं तो हमें 5 रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करवाने चाहिए। आगे क्या है जी, व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट रूट नल, जब हमारा प्रोग्राम शुरू में स्टार्ट होगा तो उसका जो रूट होगा वो नल होना चाहिए, क्योंकि हमने आगे लेफ़्ट और राइट फिर सारे चाइल्ड्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे हमने नोड स्टैरिक रूट इक्वल्स नल सेमीकॉलन और करैक्टर टाइप की एक एरे 20 करैक्टर की ले लिया जी। आगे हमने एक लूप चलाया जी। लूप किस लिए? लूप फॉर एंटरिंग ऑफ गिवन टेबल इन द ट्री। हमने वो जो टेबल ऊपर बनाया वो सारा इसके अंदर मतलब लूप की सूरत में चलता रहेगा। वो लूप क्या है? फॉर इंट आई, आई इक्वल 0, आई लेस देन एक्स और आई प्लस प्लस। एक्स जो है हमने एक वैल्यू ली है, वैल्यू वो आगे जाके हम डिफाइन भी कर देंगे, उसका साइज होगा आईडी का। रूट इक्वल बिल्ट BFT रूट आई और आईडी आई, नेम आई और सैलरी आई। आई जो है वो हमने यहाँ पे वो जो वेरिएबल डिक्लेयर किया फॉर लूप के अंदर, वो वाला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और वो सारी वैल्यूज हम इनपुट करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। डिस्प्ले के लिए क्या है जी, जब हमारा स्क्रीन मतलब फर्स्ट स्टार्ट होगी तो वो कहाँ से, F C out एंड एल न्यू लाइन है, प्रेस 1 टू एंटर डेटा, और फिर एन और न्यू लाइन के लिए, और फिर फी आउट, प्रेस 2 टू फी रिकॉर्ड इन अफेंडिंग ऑर्डर, फिर एन एल न्यू लाइन के लिए, फिर फी आउट लेफ्ट एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, प्रेस 3 टू फी रिकॉर्ड इन पोस्ट ऑर्डर, और फी आउट लेफ्ट एंड प्रेस 4 टू एग्जिट। और फिर हमने फी इन करवाया। फी हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे, ये जो हमने डिक्लेयर किया था कि वैल्यूज लेने के लिए। फी को हम फिर आगे स्विच के अंदर यूज़ कर रहे हैं, आगे सारे केसेस बन जाएंगे। केसेस कैसे बनेंगे? केस 1 के अंदर क्या है जी, आर कॉलन लगा के फी आउट लेफ्ट एंड एम्प्लॉय एंटर एम्प्लॉय आईडी, ये हमें डिस्प्ले होगा, इसके सामने हम एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे, और फी इन करवा के आईडी एक्स आ जाएगा। एक्स हमने यहाँ पे वो 5 ऑफ आईडी लिया हुआ। फी आउट एंडल एंटर एम्प्लॉय सैलरी, फिर हम एम्प्लॉय सैलरी एंटर करेंगे और फिर फी इन करवाएंगे, सैलरी आ जाएगी। फी आउट लेफ्ट एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर एम्प्लॉय नेम एंटर करेंगे, और फी इन करवाया हमने फिटरिंग, तो ये एक फिटरिंग के अंदर सारा रिकॉर्ड ये जो हमने यहाँ पे बनाई थी फिटरिंग 4 डेटा टाइप की, इसके अंदर ये हमारा एम्प्लॉय का नेम रिटर्न हो जाएगा। चेकिंग डुप्लीकेशन ऑफ आईडी, हम चेक कैसे करेंगे कि जी हमारा आईडी डुप्लीकेट हो रही है, उसके लिए भी हमने एक लूप लगा दिया है। फॉर लूप लगाया, ब्रैकेट्स के अंदर आ गया इंट आई इक्वल 0, आई लेफ्ट एन एक्स और आई प्लस प्लस। इफ़ आईडी एक्स, वो जो हमने एक्स एरे के अंदर एंटर कर रहे हैं, इक्वल आई डी आई के जो हमारी आईडी आई पहले एक एरे पड़ी है उसके साथ अगर मैच कर रहा है तो फी आउट रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। गो टू आर जो है वो हमारा यहाँ केस 1 के ऊपर आ जाएगा, और फिर हमने आईडी और सारी चीज़ें एंटर करेंगे। आगे जो है हमारा चल रहा है असेंडिंग डायनेमिक मेमोरी, और मेमोरी कैसे, नेम एक्स, ये एक हमने एक एरे ले ली, न्यू करैक्टर FTRLN फिटरिंग +1 कर देंगे जी। डायनेमिक मेमोरी आगे FTR CP बार नेम वही फिटरिंग और यहाँ पे यूज़ हो जाएगी कॉमा फिटरिंग, ये वाला फिटरिंग यहाँ पे आ जाएगा। यूजिंग अपडेटिंग ट्री, अपडेट कैसे करेंगे, फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन एक्स प्लस 1 और फिर आई प्लस प्लस आ जाएगा जी। रूट, रूट के अंदर जाके इक्वल बिल्ट पी एस टी रूट आई डी नेम और सैलरी, ये आई वही हमने जो यूज़र से इनपुट करवाया वही सारा यहाँ पे आ जाएगा। और ब्रैकेट बन के ब्रेक किया, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर वो जो हमने पहले पीछे बनाया केस वन चलता है तो ठीक है, अगर वो इधर जाता है तो फिर यहाँ पे आके हमें ब्रेक लगाएं। इसी तरह केस 2 है जी, केस 2 के अंदर सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कमाज के अंदर असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर चलाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर और हमने वो फंक्शन कॉल किया और फिर रूट कर दिया। अगर ये केस चलेगा, अगर ये केस चल गया तो फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक और फिर वो अगला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये वाला पीस ऑफ कोड नहीं वर्क करता तो फिर वो केस 3 पे चला जाएगा। केस 3 पे जाके सी आउट लेस देन और इन्वर्टेड कमाज के अंदर पोस्ट ऑर्डर, तो ये यहाँ पे ये पोस्ट ऑर्डर लिखा हुआ आएगा और फिर ये फंक्शन को कॉल कर लेगा पोस्ट ऑर्डर और उसके अंदर रूट है तो रूट पे चला जाएगा और वो सारे ट्रीज हमें शो कर देगा। अगर ये वाला पीस ऑफ कोड चलता है तो फिर उसको हमने ब्रेक भी करना है, यहाँ पे जाके ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक और ये केस स्विच लगाने का फ़ायदा ये है कि वो सबसे पहले केस 1 को चेक करेगा, अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद ब्रेक लगा देगा, अगले सारे केस चेक नहीं करेगा। अगर वो केस 2 पे आता है तो पहले केस 1 को चेक करेगा, फिर केस 2 को चेक करेगा। अगर उसके पे वो एग्जीक्यूट हो जाता है और वो सारा कुछ जो हमें रिक्वायर्ड है वो हो जाता है तो फिर वो केस 3 और 4 इस तरफ जाएगा ही नहीं, बल्कि यहीं से प्रोग्राम ब्रेक होकर वापस रिटर्न चला जाएगा। तो ये स्विच यूज़ करने का फ़ायदा है। अब केस 4 में आ गया जी डिफ़ॉल्ट, हमने डिफ़ॉल्ट क्या करना, सी आउट रॉन्ग इनपुट प्लीज़ एंटर करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत एंटर कर रहे हैं तो वो हमें ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाएगा केस 4। आगे 4 हमने एक और करैक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया ch, यहाँ पे y इक्वल सी आउट एंड डू यू वांट टू डू एनी अदर टास्क, के हम कोई और टास्क करना चाहते हैं तो येस के लिए हम y प्रेस करेंगे और नो के लिए n प्रेस करेंगे। आगे वही हमने 4 करैक्टर का जो वेरिएबल लिया ch, उसको हमने गेट ch एक फंक्शन है जिसके जरिए हम वैल्यूज़ को गेट करते हैं। जैसे हमने y ऊपर लिया और n लिया, इनमें से एक वैल्यू हमने गेट कर ली है y या n, तो हमने यहाँ पे वही ले लिया है। इफ़ ch इक्वल्स y, अगर हमारा y प्रेस है तो गो टू f हमने वहाँ पे पीछे लगाया हुआ है कि ये हमारा ये वाली हमें स्क्रीन दिखा दे। ये यहाँ पे जो f हमने यूज़ किया है कि प्रेस एंटर 1 टू एंटर डाटा, प्रेस 2 टू सी रिकॉर्ड और प्रेस 3 टू सी रिकॉर्ड पोस्ट ऑर्डर और प्रेस 4 टू एग्जिट, यहाँ f पे चला जाएगा अगर y प्रेस करते हैं तो। एल्फ के अंदर इफ़ सी एच इक्वल्स एन, अगर हम एन प्रेस करते हैं तो फिर वो क्या करे सी एफ बाय कि यहाँ पे वो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एल्फ में फिर हमने क्या डाल दिया, सी आउट एंड एल रॉन्ग इनपुट आ गई गो टू वाई, फिर वो वाई पे चला जाएगा। दोस्तों ये हमारा सारा कोड है जो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद यही जो है सारा का सारा कोड मैं आपको डेव C++ के अंदर एग्जीक्यूट करके और वहाँ पर सारी आउटपुट भी चेक करवा देता हूँ। तो आइए दोस्तों, डेव C++ करने के लिए हमने ये डेव C++ चलाया और इंतज़ार किया और ये हम न्यू पे जाके सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास डेव C++ के अंदर वो फाइल आ गई। यहाँ पे हमने जितना भी सारा कोड नोटपैड के अंदर या वर्ड में फाइल में लिखा है वो यहाँ पे सारा मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कंपाइल के बटन पर क्लिक किया। कंपाइल के बटन पर जब क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है जी आप अपना ये कोड सेव करें। मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, CS301 असाइनमेंट नंबर 1 सेव किया। ये सारा हमारा कोड कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद फिर हमने इसको रन करना है। ये क्या आ गया, रन करने के लिए अच्छा यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है, यहाँ देख लेता हूँ, मसला तो कोई नहीं है। इसी लाइन के ऊपर चलें, रन करते हैं इसको। हमने रन किया तो हाँ ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे देखें प्रेस 1 टू एंटर डाटा, ये हमें डिस्प्ले होना चाहिए था। प्रेस 2 टू सी रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, प्रेस 3 टू सी रिकॉर्ड इन पोस्ट ऑर्डर और प्रेस 4 टू एग्जिट। ठीक है जी, मैं सबसे पहले प्रेस 2 करता हूँ। मैंने प्रेस 2 किया और एंटर किया तो देखिए मेरे पास एक रिकॉर्ड है जो मैंने एंटर किया है जी, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ रहा है। अली मतलब सबसे पहला नेम है और 10 इसका एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पे 22,200 जो है उसकी सैलरी। आगे आ गया जी डू यू वांट टू समथिंग एल्स कि हम कोई कुछ और करना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं वाई प्रेस करता हूँ तो ये हमें फिर दोबारा उसी स्क्रीन पे ले जाएगा। प्रेस 1 टू एंटर डेटा, प्रेस 2 टू सी रिकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर और प्रेस 3 टू सी रिकॉर्डिंग पोस्ट ऑर्डर और प्रेस 4 टू एग्जिट। और यहाँ पे फिर मैं अब प्रेस 1 करता हूँ। प्रेस 1 जब मैंने किया तो ये हमारा एंटर डेटा का था। तो एंटर डेटा करने के लिए एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एम्प्लॉय आईडी कह देता हूँ जी, एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास 200। फिर वो कहता है जी एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करें। एम्प्लॉय की सैलरी लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ तो जी 30,000 जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी आ गई। फिर मैंने एंटर किया और फिर मैंने कहा कि जी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम लेट्स सपोज कि वी आर एंटरिंग द एम्प्लॉय नेम मोहसिन। तो फिर मैंने एंटर किया तो ये हमारा रिकॉर्ड इसके अंदर सेव हो गया। और डू यू वांट टू डू समथिंग, फिर मैंने वाई प्रेस किया तो ये हमारा रिकॉर्ड इसके अंदर सेव भी हो गया। और अगर हमने इसको देखना है तो प्रेस एंटर 2, तो हम 2 एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखेंगे मोहसिन वाला आ गया। जब मैं इसको कहता हूँ कि जी पोस्ट ऑर्डर में दिखाओ तो फिर मैं वाई प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे वाई प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें 3 प्रेस किया और एंटर किया तो हमारा ये मोहसिनी पोस्ट ऑर्डर के अंदर दिखा दिया। फिर अगर कोई और एक्टिविटी करनी है तो ठीक है, वरना अगर मैं एन प्रेस करता हूँ तो एन पे वो प्रेस एनी की तो एग्जिट पर चला गया जी। तो जब मैं एनी की प्रेस करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर यहाँ पे देखें वही एंटर डेटा के लिए 1 है। 1 एंटर किया, एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल मैंने 11 डाल दिया। 10 अगर पहले हमने 200 डाला था 200 डाल दिया। एम्प्लॉय सैलरी मैंने 30,000 डाली थी तो मैं 30 डाल देता हूँ। और एम्प्लॉय नेम जो है मोहसिन डाला था, एंटर किया तो ये हमें यस करवा रहा है। और यस करवाने के बाद फिर हमने क्या करना है जी एग्जिट। अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जिट होकर फिर उसी स्क्रीन पे आ जाता है। मैं नो करूँगा और प्रेस एनी की करूँगा तो ये हमारा सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा सी के अंदर हो गया। मैंने आपको सारा समझा दिया, दुआ में याद रखिए। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट CS 301 डेटा स्ट्रक्चर की। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, आइडिया मिल गया होगा। आप लोग असाइनमेंट कोड बनाइए, उसको सबसे पहले बेशक नोटपैड के अंदर ही टाइप कर लें। नोटपैड में टाइप करने के बाद फिर उस सारे को उठाएं और डेव C++ में लगा के और कंपाइल करें और फिर रन करके CPP की फाइल जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर दें। दोस्तों ये हमारी असाइनमेंट है CS 301 डेटा स्ट्रक्चर की। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ मतलब हेल्प मिल जाएगी इस मेरी वीडियो से। मेरा चैनल देखते रहिए। मोहसिन भाई को दुआ में याद रखिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।